जी स्टूडेंट्स, आज के जो हमारा टॉपिक है अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स। अब स्केलेटल मसल्स क्या हैं? स्केलेटल मसल्स आर दोज मसल्स दैट अटैच विद द बोन्स फॉर व्हाट? फॉर मूवमेंट। ओके जी, अब देखिएगा यहां पर कुछ टर्म्स शो किए हैं। मसल का वो पार्ट जो बोन से पक्का फिक्स अटैच है, मतलब ठीक है, इसे ओरिजिन बोलते हैं। ये जो थिक पार्ट है इसे बोलते हैं बेली, एंड वो पार्ट जो बोन में आगे इंसर्ट होता है दैट्स कॉल्ड इंसर्शन। यानी ये फिक्स होता है, ठीक है, और ये जो है इंसर्ट होता है और ये बोन्स को लिफ्ट करता है। अच्छा, ये कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है। टोटल जो मसल्स हैं वो है 650 मसल्स, और जो बोन्स हैं वो है 206 बोन्स, और जो बच्चों में बोन्स होती है वो है 300 बोन्स। कि बच्चों में बोन्स जो है शुरू में फ्यूज नहीं करती, जबकि बाद में बोन जो है फ्यूज कर जाती है। ठीक है, अच्छा, अब देखिएगा ये टर्म समझा चुका हूं आपको। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन क्या है? वो मसल का पार्ट, द एंड्स ऑफ द एंटायर मसल अटैच द बोन्स। एंड जो लिगामेंट्स है, लिगामेंट्स का मतलब होता है जोड़ना, दोस कनेक्टेड टिश्यूज दैट जॉइन द बोन्स टुगेदर। टेंडन्स के अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, जबकि लिगामेंट्स के अंदर क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये समझिएगा फिनोमेना, अक्सर पढ़ाते हुए कहता हूँ आई सल्यूट यू। ये देखिएगा, दिस इज बेंडिंग ऑफ आर्म। ओके, मैं आपको सल्यूट पेश करूं। ओके, दिस इज बेंडिंग ऑफ आर्म। बेंडिंग ऑफ आर्म में ये देखिए, बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट है, ट्राइसेप्स रिलैक्स है। ये देखिएगा, इसे बोलते हैं फ्लेक्शन, इसे बोलते हैं, इसमें फ्लेक्सेस मसल इन्वॉल्व है, बाइसेप्स इन्वॉल्व है, दिस इज कॉल्ड बेंडिंग ऑफ आर्म। अब ये देखिए एक्सटेंशन, कॉल एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मसल इन्वॉल्व है, कॉन्ट्रैक्ट है, ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट है, एंड दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ आर्म। ठीक है, अब यहां आ जाए फर्दर से रिलेटेड ये कुछ। ये देखिए यहाँ पे ना दो मसल निकलते हैं इसके स्केपुला से, ये स्केपुला है, इसके हेड से दो मसल निकलते हैं और ये रेडियस के मिड में जाके यहाँ अटैच होते हैं। ठीक है, फिर इसके नीचे दो और होते हैं, एक को बोलते हैं ब्रैकियलिस जो कि अल्ना से अटैच होते हैं, जाके अटैच होते हैं, एक है ब्रैकियो रेडियलिस जो कि रेडियस के साथ जाके अटैच होता है। और ये जो ब्रेकेलेस और ब्रेक्यू रेडियस है दे अपलिफ्ट द रेडियस एंड अल्ना, तब तो हमारी जो है आर्म है वो ऐसे मूवमेंट करती है। ठीक हो गया, ये भी समझा दिया, क्लियर हो गया। अब आ जाए नाउ। अच्छा, यहाँ पे एक फिनोमेना है, ये देखिएगा, ये बेंडिंग ऑफ आर्म, बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट, ये रिलैक्स है, यानी इस मूवमेंट में एक मसल दूसरे मसल के इफेक्ट को रिवर्स करे। दिस इज कॉल्ड एंटागोनिज्म एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एंटागोनिस्टिक मूवमेंट। ओके, अब फर्दर चलते हैं, यहां पर आ जाए, ये बिलोंग करता है प्रोटोक्टिस से। प्रोटोक्ट ये किंगडम है प्रोटोक्टिस्टा या प्रोटिस्ट। ठीक है, इसमें बस यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम सारी एग्जांपल आती हैं, लेकिन हम बात करेंगे अबाउट यूग्लिना। जी, अब ये आप देख सकते हो यूग्लिना आपके सामने डायग्राम बनी है, यूग्लिना के अंदर फ्लैजला है। सबसे पहले अपने पॉइंट बताना है कि यूग्लिना बिलोंग्स टू प्रोटिस्टा, ठीक है, यूक्रियाट है। फिर आपने बताना है दिस हैज फ्लैजेला, द मूवमेंट बाय फ्लैजेला, एंड द मूवमेंट इज कॉल्ड फ्लैजेली मूवमेंट। द मूवमेंट ऑफ यूग्लिना इज कॉल्ड फ्लैजेली मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला। जो फ्लैजेला है ये इसके इंटीरियर रीजन से ओरिजिनेट करता है। ठीक है, इसकी बॉडी जो है वो शेप चेंज होती रहती है ड्यूरिंग मूवमेंट, अभी सारा समझाता हूँ। अच्छा, अब देखिएगा ये जो फ्लैजेला है, ये देखिएगा फ्लैजेला की बेस से जो है वेव एक्टिविटी होती है, लाइक ठीक है, फ्लैजेला की बेस से जो है वो इसकी एक्टिविटी शो होती है। यहाँ पे एटीपी हाइड्रोलाइज होते हैं, ब्रेक होते हैं, तब मूवमेंट होती है। अब ये देखिएगा जब फ्लैजेला ऐसे देखिएगा बैकवर्ड मूव करेगा, मतलब ये इस तरह मूव करेगा लाइक दिस वन, इसकी तरफ मूव करेगा, ठीक है, तो ये यूग्लिना फॉरवर्ड मूव करेगा। ठीक है, यानी जब लाइक दिस वन, ये देखिएगा जब इस तरफ इसकी एक्टिविटी होगी, फ्लैजेला टुवर्ड्स इंटीरियर मूव करेगा, तो इसको वो जो फ्लैजेला है वो पुल करेगा, फॉरवर्ड करेगा, तो ये क्या होगा, यूग्लिना जो है वो फॉरवर्ड मूव करेगा। लेकिन ये मतलब नहीं है कि जब जो फ्लैजेला है जब ये फॉरवर्ड मूव करेगा तो ये बैकवर्ड जाएगा, इसमें ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। जब फ्लैजेला मूव करता है बैकवर्ड ऐसे इस तरफ आता है इसकी बेस की तरफ, तो ये आगे की तरफ मूव करता है। इसके अलावा ये देखिएगा, मेरे हाथ को देखिएगा, ये ऐसे,
यहाँ भी देख, ये देखिए ये ना, तो ये ऐसे ही मूव करते, लाइक दिस वन, ये देखिएगा लाइक दिस वन। अगर यहाँ पे मैं समझाऊँ, ये देखिएगा ये युगलीना है, तो युगलीना ऐसे लाइक दिस वन मूव करेगा, अपने एक्स एक्सिस के इर्द गिर्द भी ऐसे मूव करता है। अभी मैं जो समझा दूँ कैसे मूव करता है, अब ये देखिएगा जब ये मूव करता है ना, ये देखिएगा यहाँ पे ये देखिए दिस वन ये देखिए ऐसे मूव करेगा अपने एक्सिस के इर्द गिर्द, ये ऐसे युगलीना मूव करेगा। अच्छा तो ये हो गया, बता दिया कि ये फॉरवर्ड मूव करता है, बैकवर्ड मूव नहीं करता, ठीक है ना। अब ये देखिएगा इसकी बेटा ये लेंथ वाइज, ये देखिएगा इसकी अलॉन्ग द लेंथ स्पेशल फिब्रिल्स होते हैं, इन्हें बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल मायोनेम्स, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल मायोनेम्स, ये कॉन्ट्रैक्टाइल मायोनेम्स है। अब क्या होता है, जब ये वाली कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ये साइड में कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो ये ऐसे मूव करेगा। ये देखिए जब ये वाली लाइक दिस वन, अगर मैं समझाऊं डायग्राम से, जब ये वाले मूव करेंगे तो ये ऐसे मूव करेगा, जब ये वाली मूव करेंगे तो ये ऐसे मूव करेगा। मतलब क्या होगा, लाइक दिस वन, ये देखो ये ऐसे मूव कर सकते हैं और ये ऐसे भी मूव कर सकते हैं अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। यानी आप कह सकते हो मायोनेम्स की हेल्प से ये अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर सकते हैं। और हाँ, इसकी शेप भी चेंज होती है, कैसे, ये देखिएगा जब ये मायोनेम्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, इसकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। इसकी बॉडी यहाँ से पहले यहाँ से वाइड होती है, शार्ट होती है, ऐसे शार्ट होती है, वाइड होती है, देखिए शार्ट और वाइड होती है, फिर यहाँ से शार्ट और वाइड होती है, ये देखिए वाइड हो गई, फिर यहाँ से, और इस तरीके से वो लाइक दिस वन शेप, जैसे एक बैलून ले लो आप, बैलून को हवा भरोगे तो, ठीक है ना, पहले वो बेस से थिक होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर टॉप पे जाएगा, तो बिल्कुल आप ऐसे मिलेगा, यहाँ शेप चेंज होगी, फिर शेप यहाँ चेंज होगी, फिर यहाँ चेंज होगी, और एकदम से आगे की तरफ ये फॉरवर्ड मूव करेगा। इसको बोलते हैं युगलाइट मूवमेंट, ठीक है, दिस इज अबाउट मूवमेंट इन युगलीना। चलिए ये आपको आइडिया हो गया, और बाकी ये इनवर्टिब्रेट्स हैं और दीज आर प्रोटिस्ट, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट पैरामीशियम, ठीक है, थोड़ा सा आगे समझा दूं अबाउट पैरामीशियम। अब पैरामीशियम का देख लेते हैं, ठीक है, वो सिंपल सा है पैरामीशियम का। नाउ मूवमेंट इन पैरामीशियम, पैरामीशियम, अच्छा पैरामीशियम की अगर आप देखें ना, तो यहाँ पे मैं डायग्राम सीधी आपको शो कर दूँ, देखिएगा ये शू टाइप, ठीक है, ये मैंने शो किया, ये इसकी देखिएगा, इस पर ये क्या होते हैं, सीढ़ियाँ होती हैं। अच्छा ये इसमें सीढ़ियाँ हैं, ये इसकी लेयर जो है इसको बोलते हैं पेलिकल, ठीक है। और अब इसमें जो कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं, पैरामीशियम बिलोंग्स टू, ठीक है, प्रोटिस्टा, इसकी बात करें, इसकी मूवमेंट को बोलते हैं सिलरी मूवमेंट, ओके। और इसके अलावा जो है यहाँ कुछ पॉइंट्स और बताता चलूँ, ये अगर इसको इस एक सीनियर क्रॉस सेक्शन लेना, तो ये हमें ऐसे शो होगा, देखिएगा लाइक दिस वन, ये देखिए। और याद रखिएगा ये जो सीलिया एंड फ्लैजिला, ये देखिएगा यहाँ पर 1 2 3 ये 9 होते हैं, ठीक है, ऐसे ट्रिपलेट ना, 1 2 3 1 2 3, यानी देखिए 1 2 3 4, इसकी टोटल 9 होती है, और सेंटर में यहाँ पर 2 होती है। अब ये है, ऐसे होते हैं बेटा, इन्हें बोलते हैं ट्रिपलेट, ट्रिपलेट 9 ऑफ ट्रिपलेट, यानी 1 2 3 टोटल 9 इस पूरी पेरिफेरी की, आप इसको ऐसे समझ लीजिएगा, ये इसको ट्रांसवर्स सेक्शन काटा, ठीक है, और ये आपको ऐसे दिखेगा लाइक दिस वन, ये देखिए ऐसे इसकी पेरिफेरी पर 9 होगी और सेंटर में 2, इसको और हम बोलते हैं एक्सोनियम, ठीक है, एक्सोनियम। इस पूरे बंडल को, पूरा जो बंडल है 11 ट्यूब्यूल्स का, इसे बोलते हैं एक्सोनियम, ये हो गया, ठीक है। ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक बोलेंगे सब माइक्रोट्यूब्यूल, और इसको बोलेंगे माइक्रोट्यूब्यूल, एक बोलेंगे माइक्रोट्यूब्यूल, इस एक को बोलेंगे जो एक है, इसको बोलेंगे सब माइक्रोट्यूब्यूल, सब माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक हो गया।
अब इस पे हम बात करते हैं फर्दर थोड़ा सा। इसमें एक साइंटिस्ट था ब्रेट फोर्ड, ठीक है, ब्रेट फोर्ड एक साइंटिस्ट था। इसने एक फिनोमेनन समझाया, इफेक्टिव स्ट्रोक एंड रिकवरी स्ट्रोक, एंड रिकवरी स्ट्रोक। अभी बात समझाता हूँ, ठीक है। अभी देखिए, नाइन्थ है, ये नाइन्थ पे हम बात करेंगे। फाइव आउट ऑफ नाइन क्या कास्ट करेगा, फोर आउट ऑफ नाइन क्या कास्ट करेगा जी। चलिए बेटा, ये सारा जो मैंने पॉइंट्स अभी बनाए इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। नाउ परमिशन बिलोंग्स टू प्रोटिस्टा एंड द मूवमेंट इज कॉल्ड सीलिया मूवमेंट बिकॉज ऑफ सीलिया। सीलिया आर द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ परमिशियम एंड दिस परमिशियम कैन चेंज शेप, द शेप इज फ्लेक्सीबल, मीन द बॉडी चेंज ड्यू टू पेलिकल। बेटा पेलिकल क्या है, पेलिकल इज द आउटर मेम्ब्रेन दैट इज फ्लेक्सीबल। इस पेलिकल की वजह से इसकी शेप चेंज होती रहती है। अब बेटा इसमें देखिएगा, इस एक सीलिया क्रॉस सेक्शन देखा जाए ना, जो जैसे मैंने यहाँ बताया, इसकी बेटा पेरिफेरल पर ऐसे नाइन जो है वो माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं, इन्हें नाइन ऑफ ट्रिपलेट कहा जाता है, ठीक है। और बेटा ये देखिएगा, पेरिफेरी पर और सेंटर में दो, इन पूरे जो ये नाइन और टू को कंबाइन बंडल कहा जाता है, एज अ बंडल ऑफ 11 माइक्रोट्यूबुल को कहा जाता है एक्सोनियम। अब एक और पॉइंट है कि जब एक इस सीले को हम क्रॉस सेक्शन काटते हैं तो हमारे पास ये पैटर्न तो आ गया। अब एक साइंटिस्ट था ब्रेट फॉर्ड, इसने एक दो पॉइंट्स दिए कि इफेक्टिव स्ट्रोक कब होते हैं और रिकवरी स्ट्रोक कब होता है। उसने बताया, ये देखिए नाइन पेरिफेरी के नाइन की इन्वॉल्वमेंट है। उसने कहा व्हेन फाइव आउट ऑफ नाइन, व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट द सीलिया बेंड, और फोर रिलैक्स है व्हेन फोर कॉन्ट्रैक्ट सीलिया स्टेट, ठीक है। तो जब बेटा फाइव आउट ऑफ नाइन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव स्ट्रोक, सीलिया बेंड करेंगे, और सेम टाइम पे फोर जो रिलैक्स होंगे, जब फोर कॉन्टैक्ट करेंगे तो सीरियस स्टेट होंगे, दिस इज कॉल्ड रिकवरी स्ट्रोक, ओके। बाकी आप देख लीजिएगा, इट्स वेरी सिंपल। पेरिनेशियल मूवमेंट मैंने सर समझा दी, ओके बेटा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव फेस, सी यू।